भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए ऐसे उपदेश है जो आज के जीवन में भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। भारत में लोग भगवद गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब मानते हैं, लेकिन भगवद गीता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस किताब में उन सारी परेशानियों का हल लिखा है जो कभी न कभी हर इंसान के सामने खड़ी हो जाती है। इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट करने से पहले ये वीडियो पूरा देखिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी धर्म खराब भाषा का प्रयोग करना नहीं सिखाता, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप लोग सोच समझ कर ही अपने विचार नीचे कमेंट करके बताएंगे। कुरुक्षेत्र पर युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे, तभी अचानक अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो उठे। उन्होंने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूँ वो मेरे ही परिवार के लोग हैं, इसीलिए मैं अपने ही खून से नहीं लड़ सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, अर्जुन की समस्या का समाधान किया था। आज भी अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है तो वो भगवद गीता ही है जिसमें हमारे हर समस्या का समाधान छुपा है। हिटलर ने भगवद गीता को संस्कृत से जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था ताकि वो इसमें छिपे राज जान सके। ऐसे कई साइंटिस्ट भी हुए हैं जो भगवद गीता में अपने समस्या का समाधान ढूंढते थे। जूलियस ओपनहाइमर, जिन्होंने पहला परमाणु बम बनवाया था, उन्होंने इस परमाणु बम की टेस्टिंग के बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनकी बातों से ये साफ पता चलता है कि वो भगवद गीता का अभ्यास करते थे। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. वैसे देखा जाए तो भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक बुक है जिसमें कई साइंटिफिक कंसेप्ट आज से 5000 साल पहले ही बताए गए थे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई स्थानों पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ना ही जन्म होता है न ही उसकी मृत्यु होती है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर का नाश किया जा सकता है किंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं इसके बारे में साइंस क्या कहता है। डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ और डॉक्टर पेंड्रोस के अनुसार हमारी आत्मा हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर होती है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। इसी माइक्रोट्यूबुल्स में मौजूद क्वांटम एनर्जी की वजह से हमें जीवन का एहसास होता है। उन्होंने ऐसे मरीजों पर अभ्यास किया जिनकी मृत्यु लगभग तय थी। उन्होंने अपने अभ्यास में पाया कि जब इन लोगों की मृत्यु हुई तब उन लोगों के ब्रेन्स के माइक्रोट्यूबुल्स में मौजूद क्वांटम एनर्जी वहां से निकलकर आसपास के वातावरण में मिल गई। और जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो तैयार की जा सकती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसका मतलब श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही आत्मा के स्वरूप का जैसा वर्णन किया था वो आज के साइंटिस्ट की थ्योरी से मेल खाता है। सिर्फ भगवद गीता ही नहीं बल्कि बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, ये सब धार्मिक किताबें तो कही जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है। भगवद गीता और कुरान में करीब 3500 साल का अंतर है, लेकिन दोनों ग्रंथों में हैरान कर देने वाली समानता है। कुरान में 41 नंबर का सूरा अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है कि ए रसूल, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, वही पुरानी बातें जो पहले रसूलों के जरिए समाज को दी जा चुकी है उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ। उसी प्रकार ठीक भगवद गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भी यही बताया है कि वही पुरानी बातें, पुराना ध्यान आज तुम्हारे सामने दोहराया जा रहा है। आपको शायद ये पता ना हो कि भगवद गीता सिर्फ संस्कृत या हिंदी में ही नहीं बल्कि इसका अनुवाद इंग्लिश, जैपनीज, जर्मन और कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में किया गया है। आपको ये जानकर भगवद गीता के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा कि अभी हाल ही में दुबई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तोम ने भगवद गीता को अरबी भाषा में छपवाया था। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 15 दिन में इस अरबी भगवद गीता की 15 लाख से भी ज्यादा कॉपियां वहाँ के लोगों ने खरीदी थी। आज बाहरी मुस्लिम देशों के लोग भगवद गीता पढ़कर
उसमें छुपा ध्यान और उपदेश समझने की और हिंदू धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ हम भारतीय लोगों को हमारी इस धार्मिक संपत्ति का जरा भी महत्व नहीं है। आज हमारे भारतवासी अब तक यही पर अड़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व सच में था या वो कोई काल्पनिक पात्र थे। अगर श्री कृष्ण केवल कोई काल्पनिक कहानी का किरदार होते तो वो ऐसी बातें कैसे बताते जो आज के विज्ञान के कसौटी पर खरी उतरती है। वैसे तो भगवद गीता के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इस विषय पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।